किसान साथियों, किसान न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज 20 अगस्त है और हिमाचल प्रदेश की सोलन सब्जी मंडी से लाइव अपडेट लेकर, लाइव बोलियां लेकर टमाटर के हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको एक्शन दिखाएं, आप सभी साथियों को बता दूं, इससे पहले हम शिमला मिर्च, बीन और बाकी के फल सब्जियों के भावों के दो वीडियो डाल चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, वहाँ पर आप अपडेट दे सकते हैं। और एक अपडेट आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा, पिछला जो ये सीज़न पूरा महीना भर रहा है बरसात का, तो इससे अगर हिमाचल में नुकसान की बात की जाए तो लगभग पिछले कल जो हमें जानकारी मिली थी 330 मौतें जो है वो बरसाती नुकसान से पूरे हिमाचल में अब तक हो चुकी है। और हम फाइनेंशियली नुकसान की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ का अनुमान जो है वो हिमाचल सरकार की ओर से लगाया गया है कि इस पूरी बरसात में जो है, पूरा महीना जो सीज़न रहा बरसात का, उसमें 10,000 करोड़ का नुकसान पूरे हिमाचल में जो है जगह जगह हुआ है। इसके अलावा 2,000 मकान पूरी तरह से ढह चुके हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 9,000 मकान ऐसे हैं जो आंशिक रूप से या दरारें आई है मकान में, इस तरह के नुकसान जो है वो हुए हैं। तो टोटल 12,000 मकान जो है वो बरसाती नुकसान से इफेक्टेड हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा नुकसान जो है इस बरसात में हिमाचल के लिए रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो जगह जगह से जो है वो सपोर्ट भी मिल रहा है, अलग अलग राज्यों से जो है राहत राशि मिल रही है। और इसके अलावा केंद्र से जो है वो एक बड़ी राहत राशि की उम्मीद जो है इस वक्त हिमाचल लगा रहा है ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। और पिछले कल की बात करें तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कहा गया था कि हिमाचल जो है वो लगभग एक साल इस सब पूरे नुकसान से उभरने के लिए हिमाचल को लगेगा। तो विकास की रफ्तार थमेगी। और फसलों की बात की जाए तो फसलों को तो काफ़ी नुकसान हुआ ही है इस बरसात से। तो चलिए, ये एक छोटा सा अपडेट आपके साथ साझा करना था। और अब चलते हैं ऑक्शन की तरफ और देखते हैं क्या बाजार यहाँ पर है। प्रवीण ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग। मनोज राणा जी, राम राम। तो एक नंबर शॉप पर हम हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या ऑक्शनें चल रही हैं। 150 रुपये एक सूरज, बोलो जी। 200, 300, 301 रुपये, 300 रुपए। जी गुड मॉर्निंग। 30 रुपए, 41 रुपए, 50 रुपए, 61 रुपए। नरेश कुमार जी, प्रवीण राणा जी, ठाकुर नरेश जी, सभी का स्वागत है। 350 रुपए। विशाल भाई क्या है सर? हेलो भाई क्या है? गौतम राम राम जी, क्या हाल है? आज जा रहे हैं ना? 300 भाई के लगा। अच्छा, बोलो दो गोली, बोलो अच्छा, कोई नहीं। 201 रुपए, 210 अपने दुकान का उसूल है, जिसका माल उसकी गोली। बोलो अब बोलो, 200, 250, 300, 301। हाँ जी हेलो, 200, 299। हाँ जी बोलो, 200, 320। तो 300-400 तक के बाजार तो फिलहाल अभी तक सुने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक का आज बाजार रहते हैं। वीडियो सही से जरूर देखिएगा, आप सिर्फ टाइटल देख के ही अनुमान मत लगाइए, हम टाइटल में हाईएस्ट बोली बताते हैं और वीडियो में आपको एवरेज बाजार, मिनिमम मैक्सिमम बाजार, सारी अपडेट जो है वो वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें। रोजाना हमारी आप सभी साथियों से अपील रहती है 501। रेट आप देख सकते हैं 500 की बोली। 611, 621, 630, 641, 641, 641, 661, 661 रुपए। एक तो 661 में ये एक क्रेट भी कर देखते हैं इस माल की क्या बोली लगती है, अच्छी क्वालिटी। 661 रुपए है कोई? 71 रुपए, 681 रुपए, 91 रुपए, 701 रुपए, 5 BST। तो 701 में ये 5 क्रेट बिकी है, 701 प्रति क्रेट। 5 के टुकड़े बोलो भाई, 601 रुपए, 611, 641, 641 रुपए। तो लगभग 700 के लगभग के बाजार जो है वो आज भी मौजूद हैं। बोलो लॉट 28 गेटों के लिए बोलो, 651 रुपए, बोलो 651 रुपए,
कोई और 661 677 80 691 711 701 28 BSP। तो 700 रुपए प्रति क्रेट 28 क्रेट के इस लॉट को मिले हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं साथियों को कि प्रति क्रेट की जो है वो बोली लगती है और 700 रुपए हाईएस्ट बोली देखने को मिली है एक नंबर शॉप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब 7 नंबर शॉप पर जो है वो ऑक्शन शुरू हो चुका होगा, तो देखते हैं वहाँ क्या बाजार देखने को मिलता है। 700 रुपये हाईएस्ट रेट अभी तक का। और जैसा कि साथियों मैं आपदा में नुकसान की बात कर रहा था, हिमाचल प्रदेश को जो है पिछले कल मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की जो है वो मांग रखी गई है। खत्म होगी तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपदा प्रभावित राज्य घोषित हिमाचल होता है तो अच्छी राहत राशि जो है हिमाचल को मिलने की उम्मीद उससे बनती है और राहत राशि मिलेगी तो ही हिमाचल में जो है वो विकास कार्य या हम कहें जो नुकसान हुआ है उसमें सुधार को लेकर जो है वो बजट काम में लाया जा सकेगा। और आप भी बताएं आपके इलाके में जो है वो किस तरह का नुकसान है बारिश के कारण। एक मिनट, तो हमारे किसान भाई यहाँ टमाटर की सेटिंग करते हुए और ऑक्शन शुरू हो चुकी है 7 नंबर शॉप पर। तो आप देखिए किसान यहाँ पर अभी भी टमाटर लगाता हुआ और ऑक्शन भी शुरू है। 500 तो भाई वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहें। तो किसने सेडियो फोन कर यार, दादू करो, दादू कर दो। राकेश अरुल जी गुड मॉर्निंग, रतन अंजो जी गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो 500-600 के बाजार यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। ये लॉट 611 12 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
तो 700 रुपए के करीब जो है यहाँ पे माल बिक चुका है। मान बगाची बिल्कुल लगातार गिर रहे हैं, लेकिन स्टेबल पिछले कल की बात करें 700-800-900 तक के बाजार थे। आज भी देखिए आप 700 तक के बाजार देखने को मिल रहे हैं। हम एक नंबर शॉप कवर कर चुके हैं और ये 7 नंबर है, तो यहाँ भी 700 तक के बाजार देखने को मिल रहे हैं। बाजार में गिरावट जरूर है। यहाँ लगा रहे हैं इसको, एक मिनट करना बस छह सौ ग्यारह
तो 700 रुपए5000 सुनने वालों को आज 511 सुनना मिल रहा है। तसल्ली है, तसल्ली है, क्या करना जी। चलो पिछले साल से तो बहुत सीजन कैसा है? जो छेता सीजन है वो चल रहा है छेता आजकल? चलने वाला बढ़िया, चलने वाला है। बारिश से बचा है? सोनी का बीमारी लगा हुआ। अच्छा, बीमारी है, कोई बात नहीं। वो पिछले साल से बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है जी, बस। चलो ठीक है। हाँ जी ठाकुर साहब, बढ़िया। कितनी क्रेटा ले रहे हो आर आज? 6 क्रेटा। तो रेट तो अब डाउन, काफ़ी डाउन है, मालूम नहीं है। आ जाएगी एवरेज? खराब हो गया। खराब हुआ? अच्छा, कितना का नुकसान है? कितनी कितना टमाटर खराब हो गया क्रेटे? इस टाइम दो तीन दिन में गई हूँ, 25 क्रेट। 25 क्रेट जो खराब हो गई। अच्छा, लाइट काला दाग, फेंकना पड़ गया है? फेंकना पड़ गया टमाटर? हाँ, फेंकना पड़ गया। अच्छा अच्छा, खाली कर रहे हैं। तो इस रेट से तो एवरेज नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। चलो ठीक, अगर रेट आता है। चलो जी, और रेट आने के आसार तो कम है? हाँ, कम है, क्योंकि अब बेंगलोर नासिक सारे शुरू है। पर फिर भी चलो थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है, 1000 तक पहुंच जाए या 1200-1500 कुछ पहुंच जाए। बाकी मौसम पे है सारा जी, मौसम पे सारा जी। तो किसान भाई हमारे अब थोड़े से निराश जरूर हैं, क्योंकि फसलें जो है वो, अगर हम गर्मी के सीज़न के बाद बात करें, बरसाती जो टमाटर होता है वो भी फसल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। बारिशें क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई हैं, और किसान भाई का चेहरे जो है वो उतर चुके हैं, क्योंकि अभी बरसाती सीज़न से उम्मीद जो थी कि रेट चलो अच्छा रहेगा, तो टमाटर अगर कम भी होगा तो भी एवरेज लग जाएगी। लेकिन बरसाती सीज़न वाले या जो लेट सीज़न जिनके चलते हैं, उनको तो कोई फ़ायदा फ़िलहाल इस रेट में नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि फसलें उनकी भी जो है वो ख़राब हुई है, चाहे 10-20% ख़राब हुई हो। और रेट अब इस मुताबिक नहीं है जिस तरह से पहले थे। 5000 के बाज़ार जहाँ देखे थे, अब 500 के बाज़ार देखने पड़ रहे हैं। डिंपू ठाकुर जी, आप हमारा वीडियो देखिए, हमने वीडियो डाला है इससे पहले, आप वो हमारे पेज पर जाकर चेक कीजिए। हम रोज़ाना जो है वो इससे पहले भी हम दो वीडियो डालते हैं, फल सब्जियों के भाव के अलग से और शिमला मिर्च और बीन की बोली के अलग से। वहाँ आप वीडियो को देख सकते हैं, रोज़ाना वीडियो होते हैं, हम रोज़ाना कहते हैं, हमारे वीडियो पड़े होते हैं वहाँ पर, आपको फल सब्जियों के भाव और सारे बाज़ार मिल जाएंगे। तो हमारा जिम्मेदार भाई आप देख सकते हैं, मेहनत से लगा है, बेशक रेट डाउन है लेकिन फसल है, निकालनी भी है, बेचना भी है। और बोली यहाँ इनके पास पहुँचने वाली है, तो जल्दी जल्दी जो है वो ये अपने माल की सेटिंग यहाँ पर करते हुए, पसीना पसीना जरूर हुए हैं लेकिन पसीने का जो मेहनत आना है वो इस इन दिनों मैं बात कहूँ तो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर फसल अच्छी हो तो ये रेट बहुत अच्छे हैं। ये किसान खुद कहता है कि उन्हें अगर पूरे सीज़न की 500 रुपये क्रेट की एवरेज भी मिल जाए तो उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा सीज़न वो मानते हैं। लेकिन फसल ही नहीं होगी तो रेट ज़्यादा होने से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत से किसानों की, अगर हम पहले गर्मी की फसल की बात करें, जो गेती फसल बोलते हैं, तो वो फसल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई इस बार। लेकिन रेट इतने अच्छे रहे कि एक क्रेट के रेट जो 500 की उम्मीद लगाकर बैठे होते थे वो 5000 भी मिले, 10 गुना रेट तक भी जो है वो मिले, तो उससे एवरेज बहुत अच्छी रही। लेकिन उन किसानों की जिनकी फसलें भी खड़ी रहीं खेतों में। गीता शर्मा जी, राम राम जी, ठाकुर भवानी सिंह जी, सर जम्मू में क्या रेट क्या होगा टमाटर का? सर जम्मू के रेट हमारे पास नहीं है फिलहाल।
आने जाने छापे लगाओ अब ओके किन्ने हो चल अरे चलो दो मर्जी हो जाए अजी बाबू जी जल्दी जल्दी लगाओ यार। अच्छा ये तो दूसरी ही है मैंने तो भाई अपने मशीन एक मिनट भाई जी भाई छः आगे छः और ना 311 भाई जी 311 तीन रोज याद चाली ये ठीक है हाँ ठीक है ठीक है आ ले 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 क्या नाम लिखना कमला कमला ले ले पैसे में नगद ले ले दे दे 2000 रुपये दे दे दो सौ ग्यारह हवा लगा हवा तेल पानी चेक करो 111 भाई जी 111 सुमन शर्मा जी राम राम जी। तो भाई वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी अपडेट जो है वो पहुंच सके। अभी दूसरा प्लेटफॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं, अभी बहुत से प्लेटफॉर्म और कवर करना बाकी है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी मंडी के अगर हर एक प्लेटफॉर्म की आप अपडेट चाहते हैं तो किसान न्यूज़ को फॉलो करें, लाइक करें, अपडेट आप देखते रहें। हम सिर्फ सोलन मंडी ही कवर नहीं कर रहे हैं, सोलन मंडी के साथ साथ हम शिमला, कुल्लू और इसके अलावा पानीपत, गाजीपुर, तो ये सारी मंडियाँ भी कवर करते हैं। साहिबाबाद यूपी की मंडी है, इनकी आपको वीडियो अपडेट जो है वो लगातार रोज़ाना हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसके अलावा बात करें बाकी के मंडियों की तो हिमाचल की सारी मंडियों की रेट लिस्ट हमारे पास होती है, वो हम किसान न्यूज़ के फेसबुक पेज पर रोज़ाना शेयर करते हैं। और इसके अलावा हरियाणा और जयपुर मंडी के भी हमारे पास भाव की अपडेट रोज़ाना आपको मिलेगी। विकी राणा जी, नालागढ़ फिलहाल कवर नहीं किया है आज तक, लेकिन नालागढ़ के अपडेट अगर आप साथियों को चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके उसकी रिक्वायरमेंट बताएं, क्योंकि नालागढ़ में कितना माल आता है उसकी आइडिया हमें भी नहीं है, क्योंकि नालागढ़ मंडी अभी एक बार भी टमाटर सीजन को लेकर कवर नहीं किया है। हालांकि रामशहर की बेल्ट जो रहती है, रामशहर 66 ये सारी बेल्टें जो है वो वहाँ पर काफ़ी टमाटर लगता है जहाँ तक हमारा आइडिया है, और काफ़ी अच्छा टमाटर वहाँ पर भी अब पैदावार होने शुरू हो चुकी है जैसा हम भी अपडेट रखते हैं। तो 711 19 ग्रेट ये भी लिखो 211 लिखो बहुत थोड़ी से बड़ा बोले 50 रुपए वाली बोली। सुधीर मेहता जी स्वागत है। चलिए सुधीर भाई, हम ये नहीं कहते हैं, वहाँ भी हमारे ही किसान भाई हैं, चाहे नासिक हो चाहे बेंगलोर हो, और वहाँ के किसान भाई बड़े किसान भाई हैं, हिमाचल के किसान भाई हमारे छोटे किसान भाई होते हैं, और लेकिन किसान तो किसान हैं, रेट सभी को मिले हम तो यही मानेंगे, और चाहे नासिक हो बेंगलोर हो, हालांकि नासिक और बेंगलोर तो एक बड़े नाम हैं, इसके अलावा नारायणगढ़ है आपका, चिंतामणि है, इसके अलावा औरंगाबाद है, तो ये साइटें भी शुरू हैं इन, और एमपी में ही औरंगाबाद आता है, तो ये बहुत सी साइटें जो है वो शुरू हैं यहाँ से टमाटर, क्योंकि अब एक साथ मार्केट में टमाटर इन सभी साइटों से आ चुका है, सभी राज्यों से आना शुरू हो चुका है, और ये एक बड़ी वजह है कि दाम जो है वो एकदम से गिरे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बाज़ार जहाँ 2500-3000 के बाज़ार थे वो आप देख सकते हैं 500-700 रुपये तक पहुँच चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में बहुत बड़ी गिरावट आप समझ सकते हैं,
एक ही दिन में जो है वो 700-800 हज़ार की गिरावट हमने आपको बताई थी। धराशायी एकदम से हुआ था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माल एक साथ जो है वो आज़ादपुर की मंडी में पहुंचा था। तो चलिए 10 नंबर शॉप पर पहुंच चुके हैं। 410 ललित सैनी जी, बद्दी बद्दी की मार्केट में टमाटर कितना आता है? मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ आता होगा। 440 450 460 470 480 490 510 देना नहीं है। देना है, मैं तो बोली करा रहा हूँ। कितने देर थोड़ी कोई होती है। 510 दे दो उसको, दे दो ना। बाकी जेस के ये 6 बोले, इसको भी हवा लगा, हवा लगा सारे। हाँ जी 6 कितना बोलूँ? 6 बढ़िया महाराज, बढ़िया। चार सौ शाम दत्त एस डी 6 ये 3 बोला जी, ये 200 रुपये की या फिर पर पच्चीस पच्चीस दे दी है, इसलिए जो मोटा लेगा उसकी 200 की बोली। हाँ जी कितना बोलो? 300 350 400 सुमित ये 7 बोला जी, 400 शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, जन्मदिन है ज्यादा नहीं। 410 भाई आज हमारे कमलेशु भाई का जन्मदिन है तो इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं आप भी दे सकते हैं, भाई हमारे रोज कवरेज करने आते हैं। 470 जेएसके 1 गोली 200 जेएसके ये 3 बोला जी, जीवदार कंपनी 410 कल का अजमेरी हमारे ये नहीं फुल गोभी देख खपर रास्ता ही नहीं ये बोला जी 400 कृष्णदत्त जी, हम रोजाना कहते हैं ये 25 किलो की क्रेट होती है और जो बोली आप 490-500 ये सारी बोली जो आप सुन रहे हैं ये एक क्रेट का रेट तय होता है। किसान के अगर 30 क्रेट हैं तो एक क्रेट का 500 रेट तय हुआ, तो ये 30 के 30 क्रेट का 500 रेट तय होगा, तो आप एवरेज खुद लगा लीजिए इसकी। कुंदन यादव जी, कुंदन यादव जी ने हैप्पी बर्थडे कहा है कमलेश जी, और धन्यवाद जी। 200 हाँ जी, जिम्मेदार न्यूज, जिम्मेदार न्यूज, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? लिया करो टमाटर, आपके आपके आपकी पब्लिसिटी हो रही है आपके चैनल की। उभरता हुआ चैनल जिम्मेदार न्यूज। भाई ये हमारे आरती भाई है और ये इनको भी सोशल मीडिया का क्रेज चढ़ा है तो इनसे हम थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हैं। 410 हंसराज एचआर एचआर
ठीक है। ये तो भाई साहब शिव जी का थड़ा, एक मरा दूजा खड़ा, या कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, तीन कितने बोलू? 300, 310, 300 कालका, एक गोली, जय माँ कालका, ये चार वाला जी, जेएसके, अब 400 बोलते हुए, पहले 4000 बोलते थे, अब 400 बोलने पड़ रहा है, वसूल को नहीं रहा फिर भी, वक्त वक्त की बात है। और देखो 400 में भी आप हवा लगा रहे, पहले ही हवा खराब है। नहीं, इसके 300, सुमित दिखाने से बढ़ गया माल, 6 बोलो जी, 400, 450, 500, 510, 520, 530, 540, 550, माल तो माल है भाई, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660। तो 660 में आप ये देख सकते हैं टमाटर भी का है। उत्तम मंडाडे जी, अदरक का भाव शायद आप पूछ रहे हैं, थोड़ा आपके भाषा समझ में नहीं है, लेकिन आपको फल सब्जियों के भाव जानने हैं। हमारा वीडियो इससे पहले अपलोडेड है, मैं कई बार कह चुका हूं और रोजाना बताता हूं कि हम फल सब्जियों के भाव का वीडियो और बीन और शिमला मिर्च का वीडियो लाइव टमाटर की ऑप्शन दिखाने से पहले जो है वो हम डाल चुके होते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर आपको सारे बाजार मिलेंगे। आरतियों का नंबर किसी को चाहिए तो आरती भाइयों के हम नंबर भी वीडियो में डाले होते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। आज कितना बोलू? 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 610, 600 वही सूरज, 600 क्या मार करे? सूरज भाजी, हाँ सूरज, 16 भाजी ना? सूरज 16, एक गोली, गोली चाहिए सूरज, गोली चाहिए? 100 रुपए सूरज, ये चार वाला जी, भाई इतने बढ़िया किया, ये अलग कर दिया, जो एक ही मार कर दी, अलग कर दिया, बढ़िया हो गया, 111, गोली में गोली भी बोलो, हाँ ऑल राम कश्यप जी गुड मॉर्निंग, ये 10 बोला जी, भूमि चंद जी गुड मॉर्निंग सर, 10 कितना बोलू? 400, 510, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 600, तो चलिए साथियों देखते हैं बाकी के प्लेटफॉर्म पर भी ऑक्शन की शुरुआत अगर है तो वहाँ के बाज़ार भी आपको दिखाते हैं। और फिलहाल 700, 750 तक की बोलियाँ जो है वो अभी तक हमने सुनी है। और देखते हैं 16 नंबर में बिल्कुल ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी है, तो थोड़ा सा देखते हैं क्रॉसिंग कहाँ से हो पाती है, निकलना मुश्किल है। थोड़ा सा टमाटर तो चलिए दिखाते हैं आपको
16 नंबर शॉप के ऑक्शन। आ गए जनाब, आ गए सर, आ गए, आ गए। 540 अटेंडेंस, 540 में ये बिका है माल, यानी प्रति क्रेट 540 रुपए। राम राम जी, कैसे हैं बाबूजी? बाबूजी ठीक है। और मार्का ठीक चल रहा है? किसका ज्यादा चल रहा है? चैनू भाई का? चैनू भाई का। चैनू भाई कैसे हैं? रोहन देखिए जी, किन्नौर का मटर मुझे लग रहा है 90 से 100 रुपए के बीच में होगा, बाकी आप एग्जैक्ट जानकारी हमारे वीडियो में देख सकते हैं। रेट हमें इतना याद नहीं होते क्योंकि 30 से 40 आइटमों के रेट लेते हैं हम, और हर एक आइटम के रेट याद रखना मुश्किल होता है, तो आप वो वीडियो देखिए तो वहाँ पर आपको सही जानकारी मिल जाएगी। 252 ब्यूटीफुल टमाटर 350 60 70 80 90 400 10 GST लगी। तो बारिश का असर साफ टमाटर पर देखा जा सकता है। ये है 40 किलो का ग्रेड है। तो 510 सुपर। आसिफ अली आजाद जी, ज़्यादातर रोड ख़राब है। लिंक रोड की अगर मैं बात करूं, हिमाचल में सड़कों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है बारिश के कारण, और लगातार खोलने का प्रयास जारी है। आप समझ सकते हैं 4 लेन तक इफेक्टेड हैं, 4 लेन पर भी जो है वो हैवी ट्रैफिक कई जगह पर रोका गया है और लिंक रोड पर डाला गया है। और कुल्लू में मैं बात करूं, कुल्लू मंडी ज़िला, तो वहाँ और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। हिमाचल में फिर सोलन में फिर भी रोड्स जो है कंडीशन बेहतर है, लेकिन कुल्लू मंडी की बात करें तो वहाँ की रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले कल कुछ गाइडलाइन भी जारी हुए ताकि किसानों की सब्जियां जो है वो ना कहीं भी फंसें, कहीं बाधित ना हो। रोड को जो है वो बेहतर करने के प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। कुल्लू और मंडी को लेकर खास डायरेक्शन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जारी की गई है, और विशेष बजट भी दिए गए हैं ताकि किसानों की फसल जो है वो मंडियों तक पहुँच सके। लो जी, लोग खाली क्रेट ले रहे हो। रेट बेशक नीचे है, हमें ऊपर ही है।
ये नहीं है, वो ये नहीं है। आप बोलेगी 10 के लिए बोलेगी, हाँ 10 के बोलेगी, 311 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 400 रुपये, 410 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये। चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ो जी, आगे। 90 रुपये आर के इधर है जी, अच्छा हाथ बताओ, 810 रुपये, ये जीपीएस। चलो जी बढ़ो जी, बढ़ो जी, आगे आगे बढ़ो जी, ये आगे जी, कटे जाना ना, एक बात में कर लेंगे जी। 10 रुपये नंबरदार मनीष ठाकुर जी, स्वागत है सर। भाइयों, आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है, मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आप सभी साथी जो आपने फॉलो किया है, लाइक किया है और फेवरेट क्लिक किया है, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर फेसबुक पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी आपको इसी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी आप जाते हैं तो किसान न्यूज़ टाइप करने की जगह अगर आप सोलन मंडी टाइप करेंगे तो आपको इमीडिएट वीडियो जो है वो हमारे मिल जाएंगे। तो 450। कमलेश भाई, कमलेश भाई, 25 नंबर हो गया फिर। विकास मालविया जी, यहाँ भी 700 रुपये, 750 रुपये तक रेट जो है वो हाईएस्ट रेट जा रहे हैं। और नंबरदार मनीष भाई, आप ठीक कह रहे हैं, रेट अभी भी ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी फसल अच्छी है, अगर फसल अच्छी है तो ये रेट बहुत बढ़िया है, लेकिन फसल ही अच्छी ना हो और रेट फिर 2000 का भी हो तो फिर किसान आप समझ सकते हैं उसके लिए तो 2000 का रेट भी इतना अच्छा नहीं माना जा सकता। पर फिलहाल जो अब बरसाती फसलें हैं वो अभी तक इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये रेट भी अच्छा है। पर उम्मीद तो हर किसी को होती है, 5000 का रेट पहले के किसान देख चुके हैं, लेकिन अब जो बरसाती किसान हैं या बरसात के बाद की फसलें जिन किसानों की आती है, उम्मीद उन्हें भी थी कि उन्हें भी अच्छे रेट मिलेंगे, लेकिन इस बार नहीं मिले। हालांकि पिछले साल की बात करें, पिछले साल हिमाचल के किसानों को, जो बरसात के बाद के किसान थे, फसलें जिनकी खेतों में आती हैं, उनको बहुत अच्छे दाम पिछले साल मिले थे। तो चलिए साथियों, चलते हैं और देखते हैं 25 नंबर प्लेटफॉर्म, वहां की मार्केट क्या कहती है टमाटर की बोलियों को लेकर। तो यहाँ पर भी आधा माल लगभग बिक चुका है और आधा माल अभी भी बचता है। बंसीलाल भाई, मैं इस वीडियो में कई बार कह चुका हूँ, हम वीडियो पहले डाल चुके हैं फल सब्जियों के भाव के, वहाँ मिलेंगे आपको। तो ये 900 रुपये बिका है टमाटर अभी अभी। ₹811
तो 800 के माल आप देख सकते हैं, 900 800। दो क्रेट जी प्रवीण, 760 रुपए जीएमडी, दो मसाले, दो ये चार दो ले ले रुपए जी प्रवीण, चार दो ले, ये चार है भाई जी, चार बुढ़ा जी 750, 611 बीके चार, संजय शर्मा जी स्वागत है सर, चार बोला जी 511 बोली नहीं है, अलग है ये 511 दादा चार, चलो जी आओ जी ये बोला जी 811 रुपये जी, लिया 900 एक 900 ला दिया 23 22 तो 910, तो ये दो लॉट 900 तक हमारे सामने बिक चुके हैं और ये तीसरा लॉट 911 ये बोला जी 811 750 रतन खत्री जी गुड मॉर्निंग कत्तर लाला भाई, एक बार फिर से अपील करूंगा वीडियो शेयर जरूर करते रहें, साथ ही साथ लाइक कमेंट फॉलो जरूर करें, ये ना मिक्स होता है बस मैंने ये बता दिया, 811 रुपए जेएमडी एक 811 रुपए तीन जे लाला ₹830 कैश कर दे, कैश बना दो इसका भाई जी, राजू जी तुम है राजू भाई पास पच्ची ग्रेड के लिए बना दी 811 900 रुपये 890 रुपये 32 गंगाराम, तो 890 ये लॉट बिका है, अब क्या दिया 10 छूट ना, तो 900 रुपये तक के बाजार देखने को मिले हैं, बाकी किशोर भाई फ्री हो चुके हैं तो इन्हीं से जानते हैं इनके पास क्या हाईएस्ट बोली रही है, अगला बीतरी गाना किशोर भाई अगला इतल गाना उसके बाद पर रहता। क्या बाजार रही है जी, मिनिमम मैक्सिमम? मैक्सिमम बाजार रहा जी आपका 450 से लेकर, और जो नए सौदे थे ये वाले जो नए सौदे ये 800 900 बिका, बाकी 600 650 में एंड हुआ है, और नया सौदा है जो अच्छा माल है वो परचून वाले ले जा रहे हैं जी, जो जिसने एक एक किलो बेचना है वो चंडीगढ़ वाले ले जा रहे हैं, चंडीगढ़ वालों की ही तेजी है तेजी, बाकी जो हमारी दिल्ली की लोडिंग है ये तो इसमें तो बुपारी को वारा नहीं खाता, 600-700 तक ही है, 600-700 तक है जी। अच्छा जी, मोबाइल नंबर किशोर भाई 9173-12404 जी, चलिए थैंक यू। तो चलिए साथियों, चंडीगढ़ की तेजी है जैसा कि किशोर भाई ने बताया, और
चंडीगढ़ की तेजी भी क्यों है तो इसका एक रीज़न कहीं ना कहीं हमारी ये लाइव कवरेज भी है। पहले जो है सिर्फ लोडर माल खरीदते थे सोलन मंडी से, अब जो है परचून में माल खरीदने वाले जो पिकअप में माल ले जाते हैं, छोटी छोटी पिकअप अपनी भर के ले जाते हैं और डायरेक्ट बेचते हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसका फ़ायदा यहाँ पर सीधा किसानों को मिलता हुआ। तो जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ आप सभी साथियों से कि देखिए नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें हैं लाइव से, और ये एक फ़ायदा आप समझ सकते हैं। आज तेज़ी है 200-300 रुपये, अगर लोडर ये माल खरीदते तो थोड़ा नीचे होता, हालांकि लोडर ने भी तेज़ माल खरीदे हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन बड़ा है। हमारी वीडियो से बाहर से जो है वो डायरेक्ट व्यापारी आते हैं, जो व्यापारी पहले लोडर से माल लेते थे तो उसका भी नुकसान मैं बाद में बात करूँगा। ठाकुर साहब गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग जी, नमस्कार जी। ठाकुर साहब क्या रहा जी बाजार, बिक चुकी है सारी शिमला मिर्च? 20 से लेकर 35 रुपए तक शिमला मिर्च बिकी है जी, और जहाँ तक बील की बात करें तो 25 से लेकर 55 रुपए तक, जैसी क्वालिटी है उस तरीके से बील बिक रही है जी। बिल्कुल ठाकुर साहब, मोबाइल नंबर 98168-71453। चलिए थैंक यू। तो साथियों 55 रुपए तक बीन बिका है आज 9 नंबर शॉप पर, हालांकि जो 16 नंबर की हमने बोली दिखाई थी 40 रुपए वहां रहा था, वहां एक साथ बोली रखती है और यहां पर जो है वो एक एक लॉट बिकता है माल देखकर, तो उस हिसाब से 55 रुपए यहां पर रही है बोली, और 35 रुपए तक आज यहां पर शिमला मिर्च रही है। शिमला मिर्च अगर मैं 16 नंबर की बात करूँ वहाँ पर जो है वो 38 रुपए तक के बाज़ार हमें देखने को मिले थे शिमला मिर्च के। तो बाकी के प्लेटफॉर्म देखते हैं, अभी ऑक्शन नहीं शुरू हुआ है ना तो 9 पे ना ही 23 नंबर पर और ना ही 48 नंबर पर, तो 40 नंबर देखेंगे इसके बाद, अगर 40 नंबर पर ऑक्शन शुरू है तो वो आपको दिखाएंगे। बीन की ऑक्शन आपको दिखाते हैं, भाई साहब एकदम स्पेशल बीन है, बीन देखो पहले एकदम टॉप क्लास बीन है भाई साहब। क्या पता उतने में किसी का मन हो जाए घर बैठा, ये देखिए सुपर जा रही 42 रुपए। जय बिहारी और रामू जल्दी आ जाओ आ जाओ। हाँ जी देखो सोना आया है, सोना देखो बिहारी आपकी बोलिए ना बिहारी रुपए। तो चलिए 42 रुपए ये फाइनल हुआ है, और फिलहाल अभी ना तो 9 पे ना 23 पे ना 48 पे और ना ही 40 नंबर हमारे सामने हैं बिल्कुल यहाँ पर। इन चारों प्लेटफॉर्म पर ऑक्शन अभी जो है वो नहीं हुआ है, ज़्यादा समय लग सकता है, तो इसलिए हम फिलहाल अपनी लाइव कवरेज को यहीं रोकते हैं। दोबारा ज़रूर आएंगे इनके बीच में अगर दोबारा जो है वो ऑक्शनें चल रही होंगी। फिलहाल हम सेब की कवरेज करने के लिए निकलते हैं और सेब का मार्केट आज का देखते हैं क्या बाज़ार रहने वाला है वो जानते हैं, और टमाटर के बाज़ार हमारे सेब की कवरेज के बाद अगर फिर भी ऑक्शनें चल रही होंगी तो हम आपको दोबारा लाइव अपडेट के माध्यम से जो है वो जानकारी उसकी देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए किसान न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब पर। नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब पेज को भी लाइक कीजिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर आपको कोई इशू नहीं आएगा, अन्यथा आप हमारे पेज पर रोज़ाना जो है वो विज़िट कीजिए तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली वीडियोज़ देखने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो। टाइमिंग हमारी फ़िक्स होती है, सुबह 7 बजे से जो है वो कवरेज शुरू हो जाती है और लगातार वीडियोज़ जो है वो डलते रहते हैं। तो चलिए भाइयों इस लाइव स्ट्रीम को मैं यहीं रोकता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको जानकारी जो है बेहतर मिली हो। और बाज़ार की बात की जाए तो आज 900 रुपए तक के बाज़ार देखने को मिले हैं, एवरेज बाज़ार की बात की जाए तो आज 700 तक के एवरेज बाज़ार रहे हैं, हालांकि 25 नंबर शॉप पर जो है 900 के कई लॉट बिके हैं, क्योंकि 25 नंबर शॉप पर जो है वो क्वालिटी भी टमाटर की वैसी ही रहती है, ये भी एक बड़ी वजह रहती है वहाँ पर रेट में उठाव की, जहाँ पर जैसे अच्छे माल होंगे वैसे ही रेट होंगे, क्योंकि हम 48 पे भी देखते हैं 23 पे भी देखते हैं, उनके पास भी अच्छे लॉट होते हैं, अच्छे लॉट के अच्छी बोली होती है। कई साथी कहते हैं 7 नंबर शॉप पर जो है वो हल्का मंदा रहता है, तेज़ी नहीं रहती है, तो लेकिन वहाँ पर टमाटर भी जो है हल्का रहता है, अच्छी क्वालिटी का टमाटर वहाँ पर कम रहता है, जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर होता है वो भी वहाँ पर तेज़ी में ही बिकता है। तो चलिए साथियों अब सेब मंडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सेब के बाज़ार, आप देख सकते हैं भीड़ आज काफ़ी है, पिछले कल माल कम आया था और उसका असर आज का है, क्योंकि
रोड ब्लॉक थे, रोड ब्लॉक होने की वजह से जो है वो दिक्कत थी, लेकिन आज देखिए आप भीड़ हर जगह जो है वो भरी पड़ी है। मुझे नहीं लगता गाड़ियाँ लगाने के लिए और जगह है, तो इसीलिए बाकी की गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर लगी होंगी। तो काफ़ी सेब आज मंडी में पहुँचा है। तो इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ, सेब की अपडेट लेकर हम फिर आप लोगों के बीच में होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।